गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज हम लोग हाई स्कूल के चौथे लेसन कार्बन और उसके यौगिकों में अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ईथर का आईयूपीएसी नाम। ईथर का आईयूपीएसी नाम। ईथर का आईपीएसी नाम क्लियर हो गया। इसका नाम होता है ऑक्सी। गौर से समझिएगा बच्चों, कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला में यदि आपको वो क्रियात्मक समूह दिखाई दे तो उसे ही हम ईथर कहते हैं। अब ईथर का आईपीएसी नाम किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, जरा समझिएगा। ये हमारा ऑक्सीजन है, यही हमारा ईथर है। ईथर के एक तरफ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, ईथर के दूसरे तरफ भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। अब ईथर के जिस तरफ कम होगा, मान लीजिए इधर कम हो गया, तो कम वाले ग्रुप को हम ऑक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सी कहते हैं। और जो अधिक होता है उसको हम एल्केन कहते हैं। ये हमारा अधिक है तो उसे हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्केन कहते हैं। गौर से समझिएगा फिर बच्चों, हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ईथर का आईयूपीएसी नाम लिखने से पहले इस पर आप लोग ध्यान दे दीजिएगा तो आसानी से ईथर समझ लीजिएगा। यदि R की संख्या कम है, R का मतलब आप लोगों को बता चुके हैं कि CH3 C2H5 C3H7 होता है। यदि R की संख्या कम है तो उसे ऑक्सी कहेंगे, अर्थात उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ लेंगे। यदि R की संख्या अधिक है तो उसको हम एल्केन से प्रदर्शित करेंगे। जैसे बच्चों देखिएगा, हम आईपीएसी नाम लिखना चालू कर रहे हैं CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, फिर CH3 CH2 CH2 O CH2 CH3, फिर बच्चों CH3 CH2 CH2 O CH2 CH2 CH3। चलिए इतने कंपाउंड का हम देखते हैं आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाएगा। गौर से देखिएगा बच्चों, यहां कार्बन की संख्या अर्थात R की संख्या एक, यहां भी R की संख्या एक है, अर्थात दोनों तरफ आपका R की संख्या बराबर है, अर्थात एल्किल ग्रुप बराबर है, तो किसी को भी हम ऑक्सी मान सकते हैं, किसी को भी एल्किन मान सकते हैं। तो नाम लिखना चाहें तो सपोज कर लीजिए हमारा एक कार्बन है, तो एक कार्बन का नाम मेथ होता है। क्या होता है बच्चों? मेथ। और मेथ में क्या जोड़ना है बच्चों? ऑक्सी। ऑक्सी हमने जोड़ दिया। और ये आपका एल्केन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेन। क्या नाम हो जाएगा? मेथेन। तो देखिए हमने लिख दिया, तो नाम हम लिखना चाहेंगे तो क्या नाम होगा बच्चों? मेथॉक्सी। मेथॉक्सी मेथेन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? मेथॉक्सी मेथेन। इसी प्रकार से बच्चों अब नीचे आ जाइए, नीचे देखिएगा। अब इसमें आपको स्पष्ट हो रहा है कि ऑक्सीजन के इधर वाला यह आपका R कम है, अर्थात एक ही कार्बन परमाणु है। ऑक्सीजन के इधर वाले के पास दो कार्बन परमाणु है, एक और एक दो। क्लियर हो गया। तो जिधर कम रहेगा उसको ऑक्सी मानेंगे, जिधर अधिक होगा उसको एल्केन मानेंगे। तो क्या नाम हो जाएगा बच्चों? एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम हम क्या लिख दें भैया? मेथ प्लस क्या बच्चों? ऑक्सी। ऑक्सी हमने लिख दिया बच्चों। क्लियर हो गया। प्लस इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? दो कार्बन की श्रृंखला है तो दो कार्बन की श्रृंखला का नाम एथेन। हम क्या लिख दें? एथेन। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों? लिखे तो मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन।
क्या नाम हो जाएगा बच्चों? मेथॉक्सी एथेन। इसी प्रकार से अगर इसका नाम लिखना चाहे तो बच्चों क्या होगा, देखिए इधर भी कार्बन की संख्या बराबर, इधर भी कार्बन की संख्या बराबर, अर्थात इधर भी दो कार्बन और इधर भी दो कार्बन, अर्थात इसमें भी हम किसी को ऑक्सी मान सकते हैं और किसी को भी हम एल्केन मान सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए इसको हम ऑक्सी मान रहे हैं और इसको हम एल्केन मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दो कार्बन की श्रृंखला है तो क्या हो जाएगा, एट प्लस ऑक्सी प्लस इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एथेन, एथेन अर्थात नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एथॉक्सी एथेन। क्या नाम हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। अब बच्चों जरा इसमें देखिएगा, इसमें हम देख रहे हैं कि इधर एक दो तीन, तीन कार्बन की श्रृंखला है, इधर एक दो, दो कार्बन की श्रृंखला, अर्थात दो कार्बन की श्रृंखला को हम ऑक्सी मान लेंगे। हम लिखे भैया कम जो रहेगा उसको ऑक्सी मान लेंगे, जो अधिक रहेगा उसको हम एल्केन मान लेंगे। तो इधर कितना है बच्चा, दो कार्बन की श्रृंखला है तो हम क्या लिख लेंगे, एथ प्लस क्या बच्चों, ऑक्सी, फिर क्या बच्चों, एक दो तीन प्रोपेन, प्रोपेन। क्लियर हो गया बच्चों? अर्थात एथॉक्सी प्रोपेन, क्या लिखेंगे, एथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए बच्चों यहां हम देख रहे हैं एक दो तीन, इधर भी एक दो तीन, इधर भी है, तो हम किसी को भी इसमें ऑक्सी मान लेंगे या किसी को भी हम एल्केन मान लेंगे। क्लियर हो गया? एक चीज और बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ कार्बन की संख्या दो से अधिक हो गई है, और जब दो से अधिक हो गई है तो हम अंकन कर देंगे, वन टू थ्री, अर्थात नाम क्या लिखेंगे बच्चों, वन एथॉक्सी प्रोपेन। क्या लिखेंगे, वन एथॉक्सी प्रोपेन लिखेंगे बच्चों, वन गलत बोल दिए बच्चों, तीन है ना, एक दो तीन, तो तीन हो गया, एक अंक पर उपाया गया है पहले अंक पर, तो वन प्रोपॉक्सी, क्या बच्चों, वन प्रोपॉक्सी, वन प्रोपॉक्सी, तीन अंक की श्रृंखला, एक दो तीन प्रोपेन, प्रोपेन। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह से इथर का आईयूपीएसी नाम खत्म हुआ बच्चों। अब बच्चों हम लोग साइनाइड का आईयूपीएसी नाम पढ़ने जा रहे हैं। साइनाइड का आईयूपीएसी नाम सीएन, इसका आईयूपीएसी नाम नाइट्राइल होता है, नाइट्राइल। गौर से समझिएगा बच्चों, साइनाइड का आईयूपीएसी नाम नाइट्राइल होता है। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो चलिए नाम लिख करके हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया CH3CN, फिर हमने लिख दिया CH3CH2CN, इसी प्रकार से बच्चों CH3CH2CH2CN, फिर बच्चों हमने लिख दिया CH3CH2CH2CH2CN, इसी प्रकार से बच्चों हमने लिख दिया CH3CH3CN, हमने लिख दिया बच्चों। एक और कंपाउंड लिख दे रहे हैं बच्चों CH3CH3CN, हमने लिख दिया बच्चों। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, गौर से देखिएगा बच्चों। तो नाम लिखेंगे तो एक और इसके ऊपर लिख दे रहे हैं HCN सबसे पहले बच्चों। अब इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो देखिएगा, एक कार्बन है
तो एक कार्बन का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथ। मेथ में क्या जोड़ना है, एन। और आईयूपीएसी नाम क्या है, नाइट्राइल। तो हम नाम इसका लिखते हैं। एक कार्बन की श्रृंखला का नाम बच्चों मेथ, प्लस क्या जोड़ना है बच्चों, एन। फिर प्लस क्या जोड़ना है, नाइट्राइल। नाइट्राइल नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथेन नाइट्राइल। मेथेन नाइट्राइल क्या नाम हो जाएगा बच्चों, मेथेन नाइट्राइल। इसी प्रकार से इसका नाम लिखना है तो बच्चों 1, 2 क्या नाम हो जाएगा बच्चों, एथेन नाइट्राइल। एथेन नाइट्राइल। इसी प्रकार से बच्चों अगर इसका नाम लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, 1, 2, 3 तीन कार्बन की श्रृंखला अर्थात प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल नाइट्राइल। इसी प्रकार से बच्चों इसका नाम लिखें तो क्या होगा बच्चों, 1, 2, 3, 4 ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल। चलिए बच्चों अब इसका नाम लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन नाइट्राइल। क्लियर हो रहा है बच्चों। इसी प्रकार से इसका नाम लिखना चाहे तो क्या होगा बच्चों, 1, 2, 3 तो देखिए पार्श्व श्रृंखला आ गई तो हम क्या लिखेंगे, 2-methyl प्रोपेन। प्रोपेन नाइट्राइल नाइट्राइल। समझ में आ रहा है बच्चों। इसी प्रकार से आइए इसका नाम लिख करके देखते हैं, 1, 2, 3, 4 दो पार्श्व श्रृंखला आ गई तो 2-3-dimethyl। क्यों 2-3-dimethyl लिखे बच्चों, देखो 2 और 3 लिख दिए, संख्या 1 और 2 है तो डाई लिख दिए, नाम इसका मेथिल होता है, मेथिल। ब्यूटेन 4 अंक की श्रृंखला है तो ब्यूटेन, ब्यूटेन नाइट्राइल नाइट्राइल। इसी तरह से साइनाइड का नाम लिखा जाता है बच्चों, इसको उतार लीजिए। एक चीज आवश्यक सूचना बच्चों, यदि इससे भी ज्यादा आप आईयूपीएससी नाम जानना चाहते हो तो आप 11th के आईयूपीएससी सर्च कीजिए, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।